वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको फ्री हैंड पेंटिंग करके बताई थी राउंड ब्रश से, तो उसमें कमेंट आया था कि मैं आपको सिंपल फ्लावर भी पेंट करके दिखाऊं, तो उसी कमेंट पे मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी बहुत आराम से फैब्रिक पेंटिंग सीख सकें। फ्री हैंड पेंटिंग क्या होती है कि हम उसको ड्रॉ नहीं करते, डायरेक्ट हम पेंट से बनाना शुरू कर देते हैं और फिर हम उसको एक डिज़ाइन के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। पहले फ्लावर मैं बना रही हूँ सिंपली, मैं इसमें 8 पेटल डालूंगी और ये सनफ्लावर स्टाइल का है तो मैंने कलर भी वैसे ही यूज़ किया है। इसमें मैंने यूज़ किया वाइट, येलो और ऑरेंज कलर। आपको देख के समझ आ रहा होगा, फिर भी मैंने बता दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। अब हमारा एक फ्लावर बन चुका है, नीचे के साइड पे मैं बना रही हूँ। ये डिज़ाइन मैं कुछ बड़ी साइज़ में अरेंज करूँगी, तो पहले मैंने आपको थोड़े जूम पे दिखा दिया था ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और मैं फिर उसी तरीके का फ्लावर यहाँ पे नीचे बना रही हूँ, तो ऊपर मैंने बनाए हैं। अब ये सेकेंड फ्लावर है, ये फ्लावर मैं बड़े साइज़ का बना रही हूँ इसलिए इसमें मैंने 8 पेटल पेंट की है। अब आपको ये देख के तो ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैं कैमरा ऊपर से मैंने लगाया है, इसलिए मैंने आपको एक वीडियो में इसको मेज़र करके भी दिखाया था। तो ये 7 to 8 सेंटीमीटर्स के होते हैं, बट देखने में ऐसा लगता है कि बहुत छोटा है। अब आप देखिए, जो मैं ब्रश है ब्रश नंबर 10 यूज़ कर रही हूँ, तो जब आप ब्रश नंबर 10 देखेंगे तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा उसमें हेयर्स होते हैं, तो उससे एक ही स्ट्रोक इतना ज़्यादा बड़ा आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि फ़्लावर की साइज़ क्या है। और जैसे जैसे हमें छोटे फ्लावर चाहिए होंगे, हम अपने पेटल की काउंटिंग को कम करते जाएंगे। मतलब देखिए, इसमें मैंने 7 ही पेटल पेंट किए। इसके बाद मैं बनाऊंगी सनफ्लावर का हाफ़ फ्लावर। आपने देखा होगा जब भी सनफ्लावर के डिज़ाइन में तो एक हाफ़ फ्लावर होता है, तो मैं उसी को पेंट कर रही हूँ। और अगर आप इसको ड्रॉ करके बनाना चाहते हैं तो मैंने सनफ्लावर की जो वीडियो बनाई है उसमें आपको दिखाया है, तो आप वहाँ से बना सकते हैं। मैं लास्ट में आपको सनफ्लावर वाली जो वीडियो है वो दे दूँगी और जो क्लास 2 में मैंने इसी फ्लावर को आप ड्रॉ करके कैसे बना सकते हैं वो भी बताया, तो मैं दोनों दे दूंगी, आप वहाँ से देख के अगर आप चाहते हैं ड्रॉ करके बनाना तो बना सकते हैं। अभी मैं आज आपको फ्री हैंड बता रही हूँ, तो उसमें ड्रॉ नहीं करते, डायरेक्ट हम पेंट से पेंट करते हैं। इस डिज़ाइन में मैंने स्टार्ट किया फ्लावर पेंटिंग से, फ्लावर को पेंट किया, तो मैंने 3 फ्लावर पेंट किए और फिर हाफ़ हाफ फ्लावर मैंने पेंट किया। अब देखिए, मैं इसको कनेक्ट करूँगी और यही एक ट्रिकी पॉइंट है कि आप इसको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि आपकी डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ठीक है, अब हम ग्रीन कलर लेंगे क्योंकि हमारा जो फ्लावर वाला कलर है उसका काम ख़त्म हो गया, हमने फ्लावर बना लिया है। इसमें मैं यूज़ करूँगी लीव ग्रीन, लाइट ग्रीन और सैप ग्रीन बहुत ही कम यूज़ करूँगी। इसमें मैं ज़्यादा ग्रीन यूज़ नहीं करने वाली हूँ, डार्क वाला मैं लाइट ग्रीन ही यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ये अच्छा सा वाइब्रेंट लुक चाहिए मुझे। तो सबसे पहले आप देखिए, अब मैं इसको किस तरीके से ज्वाइन कर रही हूँ। अभी तो आपको ये सारा बिखरा बिखरा सा लग रहा है, अलग अलग जगह फ्लावर्स हैं और यहाँ पर मैंने हाफ बना दिया, तो क्या आप देखिए मैं इसको कनेक्ट कर रही हूँ। पहले सबसे पहले मैंने जो दो छोटे वाले फ्लावर थे उसको कनेक्ट किया, अब मैं जो बड़े वाले फ्लावर हैं उसको आपस में एक तरीके से ऐसे अरेंज करूँगी कि वो डिज़ाइन के फॉर्म में आ जाएगा। ये आपने मैंने ऊपर वाले फ्लावर को नीचे वाले फ्लावर से कनेक्ट किया और ये नीचे वाले दोनों फ्लावर को पहले मैंने अलग अलग लाइन लाई और फिर एक लाइन में ही ज्वाइन कर दिया। अब हम बनाएंगे अपनी लीव, और लीव हम इस तरीके से डालेंगे कि जो हमारी डिज़ाइन है वो ज़्यादा खाली नहीं लगे और बैलेंस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आए। लीफ को हम क्या करेंगे, पहले हम अपने ब्रश से लीफ के शेप में बना लेंगे, अंदर हल्का वाइट लगाएंगे और ग्रीन से फिल कर देंगे। सुनने में तो ऐसे लग रहा होगा कि अच्छा, पहले हम इसको कलर से लीफ का शेप बनाएंगे, फिर वाइट डालेंगे शेड और फिल करेंगे, लेकिन ये ऐसा है नहीं, आपका बहुत ही फटाफट बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रश है ना वो ज़्यादा नंबर का है, उसमें ज़्यादा हेयर्स हैं, तो वो एक एक स्ट्रोक में हाफ लीव एक बार में आपकी बनेगी और जैसे ही आप दूसरा स्ट्रोक देंगे आपकी कंप्लीट लीव बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा जैसे हम अपना रेगुलर 3 नंबर 4 नंबर का ब्रश यूज़ करते हैं तो हमें 2 3 4 बार ऐसे बनाना होता है ना, ऐसा नहीं होगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको ये डिज़ाइन कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताइए।
इससे पहले मैंने एक ड्रॉ की वीडियो डाली है रोज़ डिज़ाइन को ड्रॉ कैसे करें, तो वो मैं आपको पेंट करके बताऊंगी। उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मैं आपको सिंपल फ्लावर की डिज़ाइन पेंट करके फ्री हैंड वाली बताऊं या उसी डिज़ाइन को पेंट करके, तो उसमें कमेंट आया कि उस डिज़ाइन को पेंट करके बताइए। फिर मेरे पास टाइम था तो मैंने आज ही इसको बना लिया, तो मैंने कहा ठीक है चलो पहले इसको डाल देती हूँ और फिर नेक्स्ट मैं उसको डालूँगी। मैं कमेंट में आपसे इसलिए भी सजेशन मांगती हूँ कि जब मेरे पास टाइम कम हो तो आपको मुझे पता रहे कि कौन सी वीडियो आपको ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो डाल दूँ मैं। देखिए जैसे जैसे हम डिज़ाइन को पेंट करते जा रहे हैं इसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे मैं छोटा सा, मुझे ऐसा आ गया कि कली टाइप का भी एक डाल देते हैं फ्लावर छोटा सा, और नीचे से उसको ना ग्रीन पार्ट हल्का हल्का उसको लगा देंगे, ऐसा लगेगा कि अभी ये खिलने वाला है वैसा। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप फ्री हैंड की ये वाली वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैंने चैनल पर रोज़ की फ्री हैंड और एक और पर्पल फ्लावर की वीडियो बनाई है, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको फ्री हैंड में इंटरेस्ट है। हमारी लगभग जो डिज़ाइन है वो पेंट हो चुकी है। अभी मैं इसका जब आपको कंप्लीट लुक दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा कि ये डिज़ाइन किस फॉर्म में बनी है। जैसे कि मैंने आपके सामने ही बनाया फ्लावर, पहले अलग अलग था फिर मैंने उसको कनेक्ट किया है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पूरा टोटली ऑल टुगेदर ये कैसा लग रहा है, ये डिज़ाइन कैसी आई है। अभी देखिए पहले मैंने ग्रीन ऐसा छोटा छोटा सा बनाने वाली थी परा, फिर मैंने उसको बड़ा कर दिया, तो मैंने उस पर येलो कलर से स्मच कर दिया और सर्कल को बड़ा कर दिया था देखिए यहाँ पे, और फिर मैंने उसमें ग्रीन डॉट डाला है। और इसके लिए आपको 0 नंबर का ब्रश यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद ना ब्राउन कलर को भी मैं साइड साइड पर डालूँगी। पहले मैंने छोटा रखने वाली थी, फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे सनफ्लावर का लुक देना है, तो फिर मैंने बड़ा कर दिया। और ये मैंने इसलिए इजी रखा है कि सनफ्लावर का पराग कैसे बनाएंगे वो मैंने प्रीवियस 2 वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया है। फाइनली हमारी डिज़ाइन जो है वो पेंट हो चुकी है। अब देखिए मैं आपको इसका ऊपर से नीचे तक पहले लुक दिखाऊंगी, फिर मैं कंप्लीट लुक की फ़ोटो भी आपको दिखा दूंगी। इस तरीके से क्या होता है कि डिज़ाइन बड़ी होती है तो मुझे एक फ्रेम में दिखाने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए इस तरीके का इसका लुक है। अभी साइड का जो फ्लावर है वो कट गया है। ये है इसका कंप्लीट लुक। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। जैसे जैसे हमारी सब्सक्राइबर की फैमिली बढ़ती जाएगी मैं आप लोगों के लिए न्यू एंड यूनिक वीडियो लाती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।